नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। अगर मौजूदा लोकसभा चुनाव में किसी की लहर नहीं चल रही है और यह चुनाव सामाजिक, जाति आधारित स्थानीय मुद्दों पर ही लड़ा जा रहा है, तो सबसे अहम सवाल क्या होगा? मौजूदा चुनाव में दलितों का वोट किस तरफ है? दलितों को परंपरागत तौर पर कांग्रेस का वोटर माना जाता रहा है, या फिर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में दलितों का वोट मायावती की बहुजन समाज पार्टी को मिलता रहा है? लेकिन 2014 के आम चुनाव में इस बात के संकेत मिले कि दलित बीजेपी के करीब आ गए हैं। तब मोदी लहर थी और उनके स्थानीय जातिगत समीकरण को अप्रभावी बना दिया गया था। लेकिन क्या इस चुनाव में यही स्थिति है? इस सवाल के जवाब में हमें ये भी देखना होगा कि बीजेपी के बीते 5 साल के शासन में क्या कुछ हुआ था। ये कहा जाता रहा है कि दलितों पर अत्याचार के मामले बढ़े हैं। देश में कई अहम राज्यों से दलितों पर अत्याचार के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। इन अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन की खबरें भी आईं। हैदराबाद में रोहित वेमुला की आत्महत्या का मामला हो, या फिर गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई का मामला रहा हो, फिर महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव का मामला हो, इन सबके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन देखने को मिले। कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव में दलित समुदाय का मुद्दा महत्वपूर्ण साबित हुआ। ऐसे में अहम सवाल यही है कि आम चुनाव में दलितों का रुझान किस तरफ है? जिन राज्यों में दलितों पर अत्याचार, उन राज्यों में दलितों के वोटिंग पैटर्न पर कोई असर पड़ा है? कोई बदलाव हुआ है? महाराष्ट्र का वंचित बहुजन अघाड़ी तेज बहस के केंद्र में है। प्रकाश अंबेडकर ने AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिलाकर दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश की। वह महाराष्ट्र के प्रयोग को फिर से दोहराना चाहते हैं। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में हिंसा 1 जनवरी को भड़की थी, जहां यलगार परिषद को लेकर विवाद हुआ था। हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों को इस स्पष्ट भूमि में भी देखा जा सकता है। महाराष्ट्र में जिस तरह से नए राजनीतिक गठबंधन बने हैं, उसे देखते हुए माना जा सकता है कि इस चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर दलितों की भूमिका निर्णायक होने वाली है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि दलित वोट हमेशा बढ़ते हैं, इस बार भी यही होगा। जिन दलितों में जागरूकता है, वे SP-BSP गठबंधन को वोट करेंगे, लेकिन दलितों में पिछड़े हुए लोग बीजेपी को वोट करेंगे। इन लोगों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिंदुत्व का असर है। हिंदुत्व के असर से जो बाहर नहीं निकल पाएंगे, वो बीजेपी को वोट करेंगे। यही स्थिति पिछड़े वर्ग की भी है। यादव को छोड़ दे तो दूसरे अति पिछड़े बीजेपी के साथ जा सकते हैं। दर्शक इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और जो लोग HCN न्यूज़ को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।